ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब होने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक छोटा सा कैप्सूल बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके छूने मात्र से कोई भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के न्यूमैन शहर से लेकर पर्थ तक प्रशासन ने आम नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि कोई भी उस कैप्सूल को देखे तो उससे दूर रहे। यही नहीं, ये भी कहा गया कि अगर किसी को ऐसी कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। बताया जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल काफी छोटा है, जिसका बाहरी हिस्सा कुछ ऐसे पदार्थ से बना है जिसे छूने से बीमारी हो सकती है, और बीमारी भी ऐसी जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए। जानकारी के मुताबिक ये कैप्सूल करीब दो हफ्ते पहले न्यूमैन शहर और पर्थ के बीच सड़क पर कहीं गिरा था। बिहार के पूर्णिया में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। असल में कस्बा थाना के गढ़ बनेली में ओवर ब्रिज के पास अचानक आग का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां देखते ही देखते पांच घर जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवारों का दावा है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। नवी मुंबई में एक लकड़ी की कंपनी में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यह हादसा नवी मुंबई के तलोजा MIDC इलाके का बताया जा रहा है, जहां अचानक एक लकड़ी की कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची ऊंची लपटे कंपनी की इमारत से उठने लगी। पूरे इलाके में काला धुआं भरने लगा, जिसके बाद आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जबकि आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में अश्वेत आदमी निकोल्स की मौत पर हंगामा हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अश्वेत की मौत पर न्यूयॉर्क में हंगामा, अश्वेत निकोलस की मौत पर सड़कों पर लोग, आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जो वीडियो सामने आया वो अमेरिका के मेम्फिस का है। सड़कों पर उतरे लोग निकोल्स की मौत से नाराज हैं। भारी संख्या में जुटे लोगों ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रास्ता जाम हो गया, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर चल रही गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों के काफिले में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दरअसल कुछ पुलिसकर्मियों ने सड़क पर निकोल्स को बेरहमी से पीटा था। काफी देर तक एक पुलिस वाला निकोल्स को लात घूंसों और पैरों से मारता दिखाई दिया। पीड़ित निकोल्स पुलिस की पिटाई से कर्राता रहा, लेकिन वो लगातार उसे पीटते रहे। इस दौरान वो अपने बचाव में पुलिस वालों से मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। आखिरकार अस्पताल में उसकी मौत हो गई। निकोल्स की मौत के खिलाफ मेम्फिस और न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।